नमस्ते, आज मैं आप लोगों के लिए टैंग से बनी जैम की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए इसे बनाते हैं। जैम में पड़ने वाले सामान देख लेते हैं। चीनी, कॉर्नफ्लोर और ये है टैंग। टैंग के इसी को फ्लेवर के लिए यूज करेंगे। चलिए हम बनाते हैं। चीनी डाल देते हैं। आधी कटोरी पानी डाल देते हैं। हम चीनी को घुल जाए तब तक इसको हम पकाते हैं। चलिए तब तक कॉर्नफ्लोर घोल लेते हैं। 2 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेते हैं। 2 चम्मच डाल के घोल लेते हैं। कॉर्नफ्लोर को इस तरीके से घोल लिया। चलिए टैंग ले लेते हैं पाउडर। इसको इसमें निकाल लेते हैं पूरा 1 पैकेट। इसको 2 चम्मच से इस तरीके से घोल लेते हैं और इसे रख देते हैं। चलिए अब चीनी देख लेते हैं। चाशनी हमको 1 तार का करना है। चीनी घुल चुका है, तब तक इसको चलाते रहना है। और एक कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं और इसको मध्यम आंच से धीरे धीरे चलाते हैं। जब तक चलाते रहें जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। इसको तब तक पकाइए जब तक ये लिक्विड गाढ़ा ना हो जाए। गाढ़ा करने के बाद इसको इस तरीके से चेक करिए। यदि ये लिक्विड इधर उधर हिल रहा है तो ये पका नहीं है।
इसको एक घंटे डेढ़ घंटे के लिए रख दीजिए, ये एकदम जम के चम्मच से कटने लगेगा।